नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है टाटा 407। इस गाड़ी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, हद से ज़्यादा धुआं मार रही है गाड़ी। तो हमने इस गाड़ी के इंजेक्टर, रेल प्रेशर सेंसर और इसका पंप का काम कराने के लिए भेजना है। तो गाड़ी में से हम ये सब के सामान कैसे निकालेंगे, इंजेक्टर और रेल पंप, तो वो तरीका है भाई। पूरा वीडियो देखोगे आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से पंप और ये सब बाहर निकाला जाता है। तो आप वीडियो पूरा देखें, और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास ऐसे टेक्निकल बहुत सारे वीडियोस मैं डालता रहता हूँ जो आपके काम आए। तो चलो मैं वीडियो भी शुरू करता हूँ। तो गाड़ी को, वैसे इस गाड़ी का पंप का कोई टाइमिंग नहीं है, आप कहीं से भी खोल के कहीं पे भी लगा सकते हैं बिना टाइमिंग के। लेकिन एक बार मैं इस गाड़ी को टॉप पे कर ले रहा हूँ, इसके लिए मैं गेयर बॉक्स के पीछे जो वहाँ से कवर हटा दिया है, अभी फ्राई व्हील को मैं टॉप पे ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे निशान लगा हुआ है। अगर वहाँ निशान पे करके हम पंप खोलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार टॉप पे करके इसको फिर पंप खोलता हूँ। ये तो हमने अभी गाड़ी टॉप पे कर ली है, और ये अभी हमने राइट साइड का टायर खोल दिया है। तो ये EGR खोलना है, EGR के सारे कनेक्शन निकालना है, कूलेंट हमने बाहर निकालना है, कूलेंट को डाउन करना है। अब आ गए हम केबिन के अंदर। तो ये जो रेल है, रेल के जो ये पाइप हैं, ये सारे हटा दिए मैंने। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इन पाइपों पे रहता है नंबर, जो नंबर रहता है वो रेल की तरफ रहता है, बिना नंबर का पाइप है वो ऊपर लगेगा। और सभी पे सबका नंबर डला हुआ है, तो F4, F1, F2 ये सब रहेंगे रेल की तरफ। तो ये हमने अभी सारा सामान ये खोल लिए हैं, अभी हम कवर खोलेंगे, हेड कवर, क्योंकि इंजेक्टर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी हेड कवर भी खोल देंगे, हेड कवर खोल कवर के नट बोल्ट खोल देंगे, और फिर बाहर निकालने के लिए। तो ये हमने कनेक्शन वगैरह सारे हटा दिए हैं। तो अभी हम पहले रेल को बाहर निकाल लेते हैं, और EGR को। तो ये देखिए, हमने अभी रेल खोल दी है, और ये EGR को भी बाहर निकाल दिए। ये हमारा पंप का लोकेशन है, अभी हम पंप के कनेक्शन हटा लेते हैं। तो इसमें दो कपलर रहते हैं, उनमें लॉक रहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ दबाएंगे तो लॉक आराम से इजीली निकल जाते हैं, और ये लॉक तोड़े नहीं। अगर ये लॉक टूट जाते हैं तो गाड़ी चलती है तो हिलते हिलते ये लॉक फिर निकल जाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। तो अभी ये हमारी माउंटिंग, इसको खोलने के लिए हमें खोलना पड़ेगा इसका ये इंजन ऑयल फिल्टर। तो हमने इंजन ऑयल फिल्टर खोल दिया है, क्योंकि इंजन ऑयल फिल्टर खोलना पड़ता है। इसका नीचे वाला नट माउंटिंग का है, वो इसमें टच होता है इंजन ऑयल फिल्टर में, इस वजह से हमें इंजन ऑयल फिल्टर खोलना पड़ता है इसका, इस ये माउंटिंग निकालने के लिए। तो ये हमने माउंटिंग निकाल दी, अभी पंप हमारी बिल्कुल सारे कनेक्शन वनेक्शन हटा दिए हैं। इसके देखिए आप, नट चार नट रहते हैं चारों पंप के ऊपर, ये जो दिखाई दे रहे हो आपको, ये चार नट वाली है, चारों नट खोल दिए हमने। तो अभी एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम पीछे की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनावन ट्यूब लगा होता है तो थोड़ा चिपकी होती है पंप। तो स्क्रू ड्राइवर से हटाएंगे तो पंप ईजीली बाहर हो जाएगी। और ये जो रिटर्न पाइप था वो निकल नहीं रहा था, पिछले वाली वीडियो में भी आपने देखा हो, जेनोन का भी नहीं निकला उसी तरीके से। तो हम रिटर्न पाइप के साथ ही पंप को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बाहर आके उसको हटा देंगे। तो ये है हमारी पंप। और अब हम देखो, इस पे कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है, ये डेल्फी की पंप है, डेल्फी के इसमें इंजेक्टर है। तो हम ये रहा इसका लोकेशन पंप का। जब पंप लगाएं तो यहाँ गैस्केट जरूर लगाएं, नहीं तो यहाँ से ऑयल लीक होने के चांस रहते हैं। तो अभी हम इंजेक्टर निकाल लेते हैं। तो अभी इसके इंजेक्टर ये हैं, और इस पे मार्क करें भाई, इस मैकेनिक को परेशान करने वाले इंजेक्टर हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है अगर मार्क नहीं करोगे तो। तो ये सारा सामान निकाल लिया है, अभी भेजते हैं हम इसको डीलर के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड देख लें।